खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। कलेक्ट्रेट पहुंचे जनपद के ब्राह्मण नेताओं ने एकत्र होकर राजधानी में हुई कमलेश तिवारी की हत्या के मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन मुख्यमंत्री से संबोधित था, जिसको अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के मीडिया प्रभारी ने जनपद के प्रशासन अधिकारी को सौंपा और बताया कि किसी भी कीमत पर अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो राजधानी में घटना हुई है उसमें सभी को झंझोड़कर रख दिया है, जिस कारण मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए व एक सरकारी नौकरी तथा सुरक्षा प्रदान की जाए। दरअसल बड़ा दुर्भाग्य का विषय ये है कि हमारे हिंदूवादी नेता श्री कमलेश तिवारी जी को कल घर में घुसकर जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई है, ये बहुत ही निंदनीय है। और 2015 में उनके लिए फतवा भी हुआ था जारी। ये कोई तरीके से धमकी दे के और फिर इस हत्या को अंजाम दिया जाना एक समाज में हिंदुओं की सुरक्षा पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। इसके लिए आज भाजपा की सरकार है, जिसको लोग कहते हैं कि साहब हिंदू की हितैषी है, ब्राह्मणों की हितैषी है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का बिल्कुल भी कोई चीज़ ऐसी देखने को नहीं मिल रही है कि हम लोग सुरक्षित हैं। जब घर में व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो समाज में हमारी बहन बेटियाँ हिंदू ब्राह्मण ये कोई भी सुरक्षित नहीं है। हमारी प्रशासन शासन और माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से ये मांग है कि कमलेश तिवारी जी के हत्यारों को और जिन्होंने फतवा जारी किया है उनको मृत्युदंड दिया जाए, फास्ट ट्रैक में उनका मुकदमा चलाया जाए, उनके परिजनों को कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की आज ही घोषणा हो और साथ ही किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। आक्रोश बहुत है, इसको किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैनेज करना है हम लोगों को न्याय देके, ये उनके ऊपर है। और अगर इस चीज़ें मांग न मानेंगे तो हम लोग आज भी आंदोलन करने के लिए मजबूर। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।